की देवताओं की दुनिया है आई। बहुकाल से दीपावली का अर्थ हम यूं ही समझते आए हैं कि इस दिन श्री राम अयोध्या में लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था और दिवाली मनाई गई थी, घर घर में दीप जगाए गए थे। आज मैं आपको एक नए परिप्रेक्ष्य की ओर ले चलती हूँ। ये अर्थ तो हम जानते ही हैं, लेकिन दिवाली एनलाइटनमेंट, आत्मा की ज्योति जगने का प्रतीक है। आत्मा की ज्योति वो कैसे जगेगी? दिवाली अल्पकालिक नहीं परंतु सार्वभौम हो, सर्वकालिक हो, वो कैसे हो सकती है? इस संदर्भ में अधिक विस्तार में न जाकर सीधी सी बात यूं मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय जब सारा विश्व घोर अंधकार में है, कौन से अंधकार में? पांच विकारों के अंधकार में है, ज्ञान प्रकाश नहीं है। हमने इन विकारों को ही अपने जीवन जीने का एक माध्यम समझ लिया है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इसमें और भी जोड़ लीजिए आलस्य ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य घृणा भय। दशहरे के बाद, जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं, उसके बाद दिवाली मनाना ये बहुत सार्थक। दशहरे में रावण का जो बुत बनाते हैं उसमें 10 शीश जो इन विकारों के प्रतीक हैं, और उसके बाद अयोध्या अर्थात वह नगरी जहाँ कदापि युद्ध न होता हो, जिसको हम स्वर्ग की संज्ञा दे सकते हैं। तो परमात्मा पिता जो बड़ी ज्योत है, दीपावली पर बड़े दिए से छोटे दीपक जगाए जाते हैं, तो वो किस बात का प्रतीक है, किस बात का बोध कराता है? आत्मा की ज्योति क्या केवल दीप जगाने से हो जाएगी, जग जाएगी? आज का जैसा वातावरण है, COVID-19 ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और कुछ बातों का एहसास हम कर रहे हैं। उन बातों की एनलाइटनमेंट होना वही सच्ची दीपावली मनाना है। दीपावली, दीप प्लस अवली, एक दीपक जगाने से, 10 दीपक जगाने से दीपावली नहीं, घर घर में दीपक जगता है। अवली अर्थात लाइन, दीपकों की कतार, दीपकों की लाइन, हजारों सहस्त्रों कोटि दीपक जगते हैं। वह इस बात की निशानी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में खरी उतर रही है। हम सब जानते हैं भौतिकता में हमने बहुत कुछ भौतिक रूप से सुख और शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। एकाएक एक ही दिन में सब कुछ धराशायी हो गया। लॉकडाउन में एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन, इस परिवर्तन से स्वयं को एडजस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? अगर आप गौर करेंगे तो एक है संगठन की जरूरत पड़ी,
दूसरा, हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की जरूरत पड़े। टॉलरेंस, पेशेंस, एडजस्टमेंट, लव, यूनिटी, हम इकट्ठे बनकर के रहे, हम इकट्ठे इसका सामना करेंगे, ये चीजें उजागर की जाती रही। इनमें से एक भी चीज भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल है। तो इस बात का एहसास होना कि जीवन की परिस्थितियों में यदि कोई चीज काम आएगी तो हमारी आंतरिक आध्यात्मिक मौलिक शक्तियां हैं, जिसकी ओर प्यारे भाई बहनों हमने बहुत कम ध्यान दिया। दीपावली इस बात का एहसास कराती है। दूसरी बात, एक बहुत जरूरी, श्रीमद् भगवद गीता जिसमें कहा गया, देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग कर मेरी शरण में आ। हमने COVID-19 में देखा और इस बात का एहसास किया कि देह नश्वर है, मिट्टी का पुतला है जो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो अजर अमर अविनाशी है वो आत्मा है जिसका कदापि नाश नहीं होता। हमने दैहिक प्रवृत्तियों की ओर अत्यधिक ध्यान दिया, परंतु जो अविनाशी है उसके विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ये जागरूकता, ये जागृति कि मैं एक आत्मा हूं और इस देह की मालिक हूं, इसकी एनलाइटनमेंट होना बहुत जरूरी है। एक ही हॉस्पिटल, पिताजी एक फ्लोर पर हैं, बेटा COVID-19 कारण दूसरे फ्लोर पर है, बाप और बेटा मिल नहीं सकते। दैहिक संबंध धरे धराए रह जाते हैं, लेकिन जो चीज हमें एक दूसरे से बांधती है वो है आध्यात्मिकता। दीपावली की मैंने बात की, हम छोटी फैमिली से एक बहुत बड़ी फैमिली परिवार को अपना समझने लग पड़ते हैं। जब ये अवेकनिंग, ये जागृति हमारे अंदर आती है तो ये विश्व एक परिवार नजर आता है और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो जाती है। चौथी बात जो कि इस दौरान हमने पाई वो ये है, हमारा मित्र और शत्रु कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही मेरी शत्रु है और जो पॉजिटिविटी है वही मेरे मित्र हैं। जो सद्गुण है उनकी मित्रता से कोई भी परिस्थिति सहज रूप से पार हो सकती है, और जो नेगेटिविटी है अगर उसका साथ लेते हैं, जो शत्रु के सदृश है, तो हमें हार खानी पड़ती है। याद रहे जो मूल्य है वे अविनाशी हैं, उनका कदापि नाश नहीं होता। आत्मा सत्य, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, प्रेम प्रेम है, करुणा करुणा है, सद्भाव सद्भाव है, जो अविनाशी है। इस बात की अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट हमें दीपावली आज के इस संदर्भ में ये सिखा रही है। साथ ही साथ आत्मा के अंदर
जो कर्म करने की शक्ति है, मेरे भाग्य का निर्माण करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं कर्मों की कलम से अपने भाग्य की रेखा को खींचती हूँ। मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूँ। मुझे श्रापित करने वाला और कोई नहीं, मेरे अपने कर्म मुझे वरदान के योग्य बनाते हैं और मेरे अपने कर्म ही मुझे श्रापित करते हैं। अतः दीपावली हमें ये संदेश देती है कि श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, वे कर्म जिससे आपको दुआएं मिले, जिससे आपको औरों से आशीर्वाद मिले। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं लाखों खर्च कर लें, परंतु जो काम दुआएं कर सकती हैं वो और कुछ नहीं। ये एक अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट हमें दीपावली के अवसर पर अपने ध्यान पर रखनी है। साथ ही साथ जो सफाई की बात है दीपावली के संदर्भ में, क्या अंदर गंदगी बसाकर मैं दीप जगा लूं, क्या वो रोशनी देगा? नहीं। अगर मन मैला है, मैला मन क्यों कर सुख और शांति की अनुभूति करेगा? इसलिए धनतेरस पर जो नए बर्तन खरीदने की बात होती है वो ये है कि हे आत्मन, जो बहु काल से आपने अपना एटीट्यूड, अपना व्यक्तित्व, दृष्टिकोण बना के रखा था, आज उसे बदल दो। जब तक वो एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया, बर्तन बदलने की बात है। बर्तन वर्ष कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन है। और जब तक इस एटीट्यूड को हमने बदला नहीं है जो बहुकाल से रखते चले आए, आज भी अगर वही एटीट्यूड रहेगा तो दीपावली नहीं मन सकेगी। मन में अंधेरा, बाहर दीप, सुख और चैन कहां से मिलेगा? इसलिए ये परिवर्तन अपने दृष्टिकोण में लाना, हर एक को अपना समझना, कोई दूसरा मेरी स्थिति और परिस्थिति का जिम्मेवार नहीं है। मैं स्वयं अपनी लाइफ की जिम्मेवार हूं। अगर ये दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है तो मेरी आत्मा का दीप जगता है, आत्म दीप जगता है, तो मैं दूसरों का भी जगाने का प्रयास करती हूँ। नरक चौदश अर्थात सफाई करना, वो बाहर की सफाई नहीं। हम मन मंदिर में श्री लक्ष्मी को, प्रभु को बसाना चाहते हैं, स्थूल रूप से तो घर की सफाई कर लेंगे, लिपाई पुताई कर लेंगे, परंतु जो मन के अंदर की सफाई है, क्या उस ओर भी हमारा ध्यान गया? दीपावली हमें ये शिक्षा दे रही है। बहुत समय आपने और प्रकार की सफाइयां की, जब तक ये अवेकनिंग, जागृति नहीं आई है कि हमें अपने मन मंदिर को साफ करना है। मन मंदिर साफ नहीं, प्रभु मूरत बैठेगी कैसे, सजेगी कैसे? मन मंदिर की सफाई में जो हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो देह अभिमानवश
बॉडी कॉन्शियस अप्रोच के कारण है। उस बॉडी कॉन्शियस अप्रोच को, देह अभिमान की अप्रोच को आत्म अभिमानी स्थिति में बदलना होगा। और जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में ये परिवर्तन लाते हैं तो मन की सफाई होती है, निर्मलता आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, जिससे हर्ष और उल्लास जीवन में आता है। प्यारे भाई और बहनों, दीपावली पर हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं। किस बात की? किस बात की मुबारक? मुबारक इस बात की कि आपने अपने मन और बुद्धि का, दृष्टिकोण का परिवर्तन किया। क्या ही अच्छा हो, ये मुबारक हम एक दूसरे को दें। इस जागृति की मुबारक दें, तब है दिवाली। साथ ही साथ हमेशा एक बात ध्यान रखें कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता नहीं हो सकता। कोई देहधारी दूसरे देहधारी का सदगति दाता नहीं बन सकता। हम सर्व आत्माओं के पिता परम आत्मा हैं, जिन्हें हम निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु शिव कहते हैं। वो बड़े दीपक के सदृश, जैसा मैंने पहले कहा, उनके साथ मन मना भव होने के बाद ही आत्मा के अंदर शक्तियां आ सकती हैं। शक्तियों का स्रोत परमात्मा है, मनुष्य आत्मा शक्तियों का स्रोत नहीं है। परमात्मा पिता के साथ जब हम आत्माएं मन मना भव होती हैं, अपने मन को लगाती हैं, तब आत्मा के अंदर शक्ति के साथ साथ सुख और शांति का संचार होता है। याद रखिए, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। ये अवेकनिंग, ये जागृति हमें अपने जीवन में लाने होगी। साथ ही साथ देने में लेना समाया हुआ है। जितना हम औरों को देते हैं, देना क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, ब्लेसिंग्स, क्षमा, करुणा आदि, सद्भाव। जितना देंगे उतना लौट करके अपने पास आएगा। याद रखें, स्वमान धारी ही सम्मान दे सकता है। जिसका भावार्थ, अगर आप एक राजन हैं, आप राजन दूसरे राजन को समझ सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उजागर करके दूसरों को वो रिस्पेक्ट दे सकें। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को परमात्मा पिता की संतान समझते हैं। हम साधारण नहीं, परंतु परमात्मा की संतान। और परमात्मा की संतान कैसी होगी? जैसे परमात्मा ज्ञान के गुणों के सागर है, ऐसे ही आत्मा भी ऐसी बन जाती है।
मैं उसकी संतान हूं। ये अवेकनिंग चाहिए, ये हमें जागरूकता चाहिए, जागृति चाहिए। कुछ एक बातें आज मैंने आपके सम्मुख रखी, इनके होने से ही हमारे जीवन के अंदर हर्ष, उल्लास, खुशी, उमंग, उत्साह बना रहेगा और तभी इस सारे संसार में दीपावली अर्थात हर आत्मा जागृत होगी, सुषुप्त नहीं, अवेकेंड होगी, एनलाइटेंड होगी। इस अवसर पर उपहार हम एक दूसरे को देते हैं, उपहार इसी बात की निशानी है, शुभ भावनाओं के गिफ्ट्स एक दूसरे को दें, श्रेष्ठ भावनाएं दें, दुआएं दें, दुआएं लें। ये गिफ्ट इस बार हम एक दूसरे को दें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ये दीपावली आपके लिए एक यादगार दीपावली हो बन जाए, ऐसी शुभकामना रखते हुए समाप्त करती हूँ। ओम शांति।